पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। अभी कुछ लोग सरप्राइज़ लेके यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहीं गेट पे खड़े हैं केक लेके। तो आज आप लोगों के प्यार की वजह से जो है हमारा परिवार 16 लाख का परिवार एक हो पाया है, 1.6 मिलियन। और आज ये क्लास के पहले भी कुछ देर पहले ही हमारा पूरा हुआ है। तो स्वाति मैम और यहाँ नीतू मैम जो है वो आ चुकी हैं, एक के हाथ में चाकू है और दूसरे के हाथ में केक है। ठीक है, आइए आइए इधर आइए। तो आज हमारी क्लास में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग केक काटेंगे। लाओ लाओ माचिस लाओ। मैडम लाइटर, भूल गई। रोहित माचिस लाओ, तुम रखता तो है। चलिए, रोहित हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, सुबह में पूजा करते हैं, इसी वजह से उनके पास जो है माची सिलेटर अवेलेबल होता है। ठीक है, बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मतलब कुछ सुन तो लो भाई, हैप्पी बर्थडे नहीं है हमारा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप। हाँ जी भाई, सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज ये जो परिवार है, आपकी पूरी फैमिली आज 1.6 की हो चुकी है। 1.6 लाख का मतलब आप समझते हैं, तो सीधा सीधा सा 1.6 मिलियन बहुत, चलो 1.6। सो भाई आपका जो परिवार है, अगर हम सीधा सीधा कहें तो 16 लाख का आज आपका परिवार हो चुका है। बहुत खूबसूरत सा ही आपका परिवार है, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग। तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो पूरा परिवार है हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा होता है। और आपका सीजल का समय है, और सर देखो कितनी मेहनत से आपके लिए लगे हुए हैं, लगातार आपके कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, और पूरी टीम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आज जो लोग यहाँ पर नहीं है उन सबकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको आप लोगों के बहुत सारा आशीर्वाद, जो हमेशा हम लोग यहाँ से अपनी मेहनत कंटेंट के रूप में आप लोगों तक देते रहते हैं। तो अपने परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए और प्यार इसको बढ़ाते रहिए। चलिए अब चलते हैं केक कटिंग की ओर बिना बातें किए, क्योंकि आपको फिर क्लास भी अटेंड करनी है। तो विश यू वेरी 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 कांग्रेचुलेशंस। चलो भाई, सर को बहुत बहुत मुबारक हो। सर की मेहनत सबसे ज्यादा होती है पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा। सुबह उठते हैं 8 बजे और ये रात में घर पहुंचते हैं 3 बजे। ठीक है, अब घर वाले जो है थोड़े से दिन में ये पूछने वाले कि भाई घर आना है या नहीं, घर के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं। तो ऐसा अभी सर के साथ होने वाला है। बाकी के टाइम सर बताएंगे सर कहाँ रहते हैं। सर अब आप बताइए बाकी के टाइम आप कहाँ रहते हैं। आप लोग का बुक कैसे बन जाता है बताओ, मेहनत लगती है कि नहीं लगती है। बाकी एक चीज बोलूंगा, देखो यार रैंकस गुरुकुल हमारा वो परिवार है जिसने है ना बहुत, मतलब मैं शुरू से ही बात बोलता हूँ कि हम बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं और ना ही हम बहुत बड़े बड़े नाम थे। ठीक है, एक छोटे से कमरे के साथ हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था। और जब जब हमारा वो 1 लाख का टारगेट होता है ना, 1 लाख जब जब हमारा पूरा होता है यार, वो ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश में आपने एडियम नहीं पढ़ा, एडिंग अ फेदर इन वंस कैप वाली बात होती है, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो ये नाम इतने बड़े नहीं थे ना, मैं बहुत बड़ा ना कोई यहाँ पर, बट सबने अपने मेहनत से है ना बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है इस नाम को आगे बहुत सर्कुलेट किया। आज हमारी टीम में जो है जितने भी मेंबर्स हैं दिन रात अपने एफर्ट लगाते रहते हैं और अपनी कोशिश पर हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम सिखाने आए हैं, तो कुछ सीख रहे होते हैं ज़िंदगी में, कई सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, और बेहतर करने की कोशिश होती है। जैसे अगर आप देखेंगे बैचेस में, यूट्यूब पर भी, हर जगह, तो हम आपके लिए और क्या कर पाएँ, हमेशा हम इसकी बात करते हैं जो कर लिया कभी उसके गुणगान नहीं गाते। कभी ये नहीं कहा कि हमने ये वेब सीरीज, ये जो है सीरीज़ दे दी, या ये हमने जो किताब दे दी, या ये हमने PDF दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कभी भी हमारा ये नहीं रहता है। मतलब ठीक है, जो करते गए वो करना है, अब उससे आगे क्या बात कर पाएं वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अपनी क्लास के बारे में जैसे अगर हम स्वाति मैम की बात करें तो बैक में जितना ही एफर्ट करती है हमें दिख रहा होता है। हाँ ठीक है, इसको और बेहतर कर रही है, वो डेली के डेली बेहतर कर रही है। कोई क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कभी ऐसा नहीं होता कि उसका आंसर ये नहीं दे पाए। हमेशा ये होता है कि आज अगर ये आंसर है कल तुम्हें और बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा और हमेशा काम रहेगा। साथ में पीछे ये ई-बुक्स के ऊपर, PDFs के ऊपर, हर किताब, मतलब जितने भी स्टेट एग्जाम आपके हो रहे होते हैं उनके लगभग हर एग्जाम के PDF को ये देख रही होती हैं क्वेश्चंस को, हम और बच्चों को क्या प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, और बाकी नीतू मैम के बारे में तो आप जानते ही हैं,
पे, ठीक है, पीछे की मेहनत है, बाकी अभी के खाने पीने थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपको अभी साइंस में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, ठीक है, हाँ, ये ई बुक जो है इन्होंने अभी रिसेंट में बहुत अच्छा दिया है, और साथ में अभी, ठीक है, और जो है साथ में भी ये काम भी कर रही है बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, जो आपको अपने बैचेस में धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हिंदी की भी जल्दी मिलने वाली है, बहुत शानदार। तो कल मैम का मैराथन है, और कितने बजे मैम? 10 बजे। तो कल 10 बजे मॉर्निंग में मैराथन है मैम का, तो साइंस का आप वो मैराथन सीजल के लिए है ना, रिविजन बैच है, तो साइंस के लिए यार वो अटेंड करो आप लोग, ठीक है। और बाकी स्वाति मैम ने भी जो है अपना पूरा का पूरा शेड्यूल आज हमारे मेन चैनल पर डाला है शॉर्ट्स में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस मुकाम तक हमें पहुँचाया, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, और ये 16 लाख को मेरे भाई जो है 16 करोड़ में बदलेंगे धीरे धीरे करके। वक्त आएगा जब अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग क्लासेस चल रही होंगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए, और उसके लिए भी हम धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, और मेरे भाई हम लोग अपना जो है मेहनत ऐसे ही जारी रखेंगे, ठीक है।